in this section we are going to talk about how the term to maturity affects the risk structure of the interest rate so it has been observed that if we have multiple bonds if we have several bonds and all of them have for example the same default risk the same level of liquidity the same tax treatment and but at the same time we see that besides having all these factors equal the interest rate or the yield which we get on different bonds is different so the explanation is that it may be because of the difference in the term to maturity it means how much time is left for each of these financial instruments to mature so this particular aspect can also have a great impact on determining the values of the interest rates which you are going to get from investing in a certain financial instrument. So, it is important to consider this aspect. And we have got a very famous concept that is used to understand this particular aspect of the risk structure of the interest rates. एंड दैट कॉन्प्ट इज़ द कॉन्प्ट ऑफ अल्ड कर्व तो हम यील्ड कर्व के कॉन्प्ट को इस्तेमाल करते हैं टर्म टू मचोरिटी या टाइम टू मचोरिटी के इफ़ेक्ट ऑन द इंटरेस्ट रेट को अंडरस्टैंड करने के लिए और उस येल्ड कर्व बेसिकली एक डायग्राम है जिसके ऊपर आप यील लेते हैं वर्टिकल एक्सेज के ऊपर और हॉर्जोंटल एक्सेस के ऊपर आप टाइम पीरियड लेते हैं मेचोरिटी का कितना टाइम पीरियड रह गया है, उस पर्टिकुलर चीज को असेस करते हैं और इफ़ वी लुक एट द वेरियस टाइप्स ऑफ द यील्ड कर्व्स दैट हैव सो फार तो तीन तरह के यील्ड कर्व्स होते हैं एक है आपका जो नॉर्मल कर्व होता है जो कि अपवर्ड स्लोपिंग है और फिर हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन की तरह का यील्ड कर्व है और एक तीसरा जो है दैट इज़ द इन्वर्टेड कर्व जो कि नेगेटिव स्लोप दिखाता है और इन तीनों तरह की यील्ड कर्व्स के इम्प्लिकेशनस हैं का मतलब है कि ये ओवरऑल इकोनॉमी प्रोग्रेस कर रही है स्टेगनेंट है रिसेशन की तरफ मूव कर रही है ये तीनों फॉर्म्स इस पर्टिकुलर चीज़ की भी निशानदेही करते हैं तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लुक एट दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट और एक और अहम बात कि जितनी भी आपकी फाइनेंशियल डेटा की वेबसाइट्स हैं जैसे याहू फाइनेंस है आप या जो भी मशहूर इस्तेमाल की जाने वाली फ़ाइनेंशियल डेटा के आ, को अंडरस्टैंड करने के लिए या फाइनेंशियल डेटा को डाउनलोड करने के लिए या देखने के लिए जो मशहूर दुनिया भर की वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर डेली कर्व्स कैलकुलेट होते हैं और पोस्ट किए जाते हैं तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को असेस करते हैं क्योंकि ये ना सिर्फ उस दिन की ओवरऑल सिचुएशन फाइनेंशियल मार्केट की सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं बल्कि ये पूरी इकॉनमी रिवाइवल की तरफ जा रही है एक्सपेंशन की तरफ जा रही है ग्रो कर रही है रिसेशन में जा रही है या स्टैगनेंट है इस चीज़ की भी वज़ाहत करती है तो यील कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए अभी मैं एक डायग्राम से इलास्ट्रेट करने वाली हूँ तो यहाँ पे तीनों फॉर्म्स ऑफ यील्ड कर्व्स ड्रॉ किया गया है मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो नॉर्मली जो कर्व है ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है जिसको यहां ब्लू कर्व से रिप्रेजेंट किया गया है ये बता रहा है कि जैसे आप देख सकते हैं मेचोरिटी को हमने लिया है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर यील्ड यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो आपको उस बॉन्ड पे पैसे मिलने वाले हैं दैट इज दैट इज टेकन अलोंग द वर्टिकल एक्सिस तो एज यू कैन सी इफ यू आर फॉलोइंग द नॉर्मलर्ड स्लोपिंग इट सेज दैट फॉर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और बॉन्ड्स हैविंग स्मॉल मचॉरिटी टाइम पीरियड जैसे शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स हैं उनके लिए जो आपको येल्ड मिल रहा है या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है दैट इज कम्पेरेटिवली लोअर एज कंपेयर टू वो फाइनेंशियल बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स जिनकी मैचोरिटी का टाइम पीरियड लॉन्गर है तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड ए है जो कि थ्री मंथ्स का है और बॉन्ड बी है जो कि फॉर एग्जांपल टू इयर्स पे मेच्योर होने वाला है इन बोथ केसेस में आपको देखने को मिल रहा है कि जो लॉन्गर टाइम पीरियड की मेचोरिटी वाला टाइम बॉन्ड है उसके ऊपर रिटर्न फॉर एग्जांपल आर टू है और थ्री मंथ्स की मेच्योर होने वाली बॉन्ड के ऊपर आपको जो रेट इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर हो रही है दैट इज आर वन आर वन इज स्मॉलर देन आर टू तो दिस मीन्स दैट फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके ऊपर जो आपको मुनाफा मिल रहा है या शरासूद मिल रही है दैट इज़ हायर एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म सो इट इज़ प्रामिस टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड उससे क्या होगा आपको ज़्यादा पैसे मिलने वाले हैं क्योंकि और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसने आपको ये पर्टिकुलर या कॉरपोरेशन है जिसने आपको ये पर्टिकुलर बॉन्ड इशू करके दिया है वो होपफफुल है कि आपको ज्यादा टाइम पीरियड के बाद एक हायर रिटर्न देने के लिए प्रॉमिस कर रही है इट मीन्स के ओवरऑल वी कैन से दैट इस किस्म की इकोनॉमी जहाँ नॉर्मल या अपवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व है उधर रिवाइवल देखने को मिल रहा है या ग्रोथ देखने को मिल रही है या एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट कर रही है ऑन द कंट्री देर कैन बी अ सेकेंड सिचुएशन के वहाँ हम देख सकते हैं कि सपोज जो हील कर्व है वो आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल फ्लैट है इसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म की जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके ऊपर भी आपको एक सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रही है और लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको वही तकरीबन सेम इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जा रहा है इसका मतलब है कि आप अगर ज़्यादा लंबे टाइम पीरियड का में मच्यर होने वाला बॉन्ड को के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी आपको तकरीबन उतने ही रिटर्न मिलने वाली है जितने शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करने से मिल रही है लिहाजा ये इंडिकेट करता है कि लॉन्ग टर्म में जो कंपनीज हैं जो इशू कर रही हैं इस पर्टिकुलर बॉन्ड को या एक स्पेसिफिक कॉरपोरेशन वो बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं है कि आपको एक बहुत बड़ा हायर रिटर्न प्रॉमिस करे अभी लिहाजा वो स्टेगनेंसी को ओवर सी कर रही है फोर्स सी कर रही है कि फ्यूचर में थिंग्स आर नॉट गोइंग टू इम्प्रूव दे टू स्टे द सेम और इसलिए वो आपको सेम लेवल ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रही है लॉन्ग टर्म के लिए भी शॉर्ट टर्म के लिए भी दिस पर्टिकुलर शेप ऑफ द यील्ड कर्व इंडिकेट्स दैट द इकोनॉमी इज गोइंग टू स्टे एट द सेम लेवल उसमें वो स्टेगनेंट रहेगी और उसमें ग्रोथ नहीं आएगा थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है ये अभी आपको मस्टर्ड कर्व देखने को मिल रहा है ये है हमारा इन्वर्टेड कर्व जिसको हम डाउनवर्ड स्लोपिंग भी बोल सकते हैं ये इस तरह की जो कर्व है ये रिसेशन को इंडिकेट करती है का क्या मतलब है कि पीपल आर नॉट होपफुल अबाउट फ्यूचर और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं उसके ऊपर तो आपको हायर इंटरेस्ट रेट ऑफर हो रही है लेकिन जैसे जैसे आप ल लंबे टाइम पीरियड के ऊपर इन्वेस्टमेंट के लिए ऑप्शन ले रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए बॉन्ड्स को तो वो आपको प्रोमिस कर रहे हैं लोअर इंटरेस्ट रेट जो कि नॉर्मल फिनमिनल से उलट है इसलिए हमने बोला कि झील कर्व इन्वर्टेड हो गया है डाउनवर्ड स्लोपिंग है और ये रिसेशन शो कर रहा है इसका मतलब है कि जो इशूअर है जिसने कॉरपोरेट बॉन्ड इशू किया है वो हालात साजगार नहीं देख रहा फ्यूचर में उसको लग रहा है कि हालात ख़राब होने वाले हैं इसलिए अभी जो मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ इंटरेस्ट रेट वो हायर है फ्यूचर से इसलिए अभी मुझे पैसे दे दे ताकि मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करें ताकि अभी शायद कोई आपको मैं जो अभी इमिजिएटली आपको रिटर्न दूंगा तीन माह के बाद छः माह के बाद नौ माह के बाद या एक साल के अंदर अंदर वो चीज़ रिलेटिवली हायर होगी तो मे बी ही इज़ ट्राइंग टू इम्प्रूव हिज फाइनेंशियल पोजिशन एंड ही वॉन्ट्स टू गिव यू इंसेंटिव कि आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करें बिकॉज उसको लग रहा है कि थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी गुड इन द फ्यूचर इसलिए वो आपको प्रॉमिस ही नहीं करा कि वो एक हायर रेट ऑफ रिटर्न आपको ऑफर करेगा अगर आप उसके साथ दो साल की या पाँच साल के लिए बॉन्ड उसके में इन्वेस्ट करते हैं तो द लॉन्ग टर्म बॉन्ड इज ऑफरिंग अ लोअर रेट ऑफ रिटर्न एज कम्पेयर टू द शॉर्ट टर्म बॉन्ड और इन दिस केस वी कैन से दैट द कर्व इज एन इन्वर्टेड और अ डाउनवर्ड स्लोपिंग ही